हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। दोस्तों, हाल ही में गूगल ने दावा किया है कि उसने 72 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। उनका ये कहना है कि क्लासिक कंप्यूटर जिस गणना को करने के लिए हजारों वर्ष लेता है, उसी काम को क्वांटम कंप्यूटर कुछ मिनटों में कर लेगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है और इसके आविष्कार के हमारे लिए क्या मायने हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर्स पहली बार किसी ने बनाया है। इसके पहले भी IBM ने 50 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बना लिया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहां पर कि क्वांटम का मतलब क्या होता है। क्वांटम का मतलब होता है डिस्क्रीट, यानी किसी भी चीज की अगर स्मॉलेस्ट यूनिट निकाली जाए जिसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है, इनडिविजिबल क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्वांटम। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर को अगर हम सबसे छोटा पार्ट देखें वाटर का, वो क्या होता है, जिसको हम और ब्रेक करेंगे तो वो वाटर नहीं रह जाएगा, तो हम बोलेंगे H2O इज अ मॉलिक्यूल विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर। बिकॉज अगर उसको हम अलग अलग करेंगे तो डेफिनेटली वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन तब वो वाटर की अवस्था में नहीं रहेगा। तो वाटर की अवस्था में जो सबसे छोटी चीज रहेगी, दैट इज कॉल्ड H2O मॉलिक्यूल। तो हम इसको बोल सकते हैं इट्स अ क्वांटम, इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। और यूजुअली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम बोलते हैं सबसे छोटी चीज हो जाती है एटम, एक परमाणु। लेकिन आपको मैं बताऊं कि शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी हुआ है और आप लोग अब सब लोग जानते होंगे कि एटम से भी छोटी चीज़ें एटम के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आजकल खोजी जा चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एटम ही सबसे छोटी चीज़ है, लेकिन हाँ, एटम के अंदर ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, खास तौर पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो ये वो चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम ऑब्जेक्ट, जिसको और फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो क्या हुआ फाइनली क्वांटम? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ समथिंग विच इज सो स्मॉल। तो दोस्तों, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये फिजिक्स में पढ़ाई जाती है और ये एक ऐसी साइंस है जो क्वांटम ऑब्जेक्ट से भरकर बनी हुई है, यानी कि इसमें क्वांटम ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा जाता है। क्वांटम ऑब्जेक्ट्स आप समझ चुके हैं, मैं उन छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिनको और फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, जो वाकई में बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। आपको मालूम होगा कि जो क्वांटम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, तो ये एक साथ दो अवस्था में पाए जाते हैं, यानी इनका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ये बात भी आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ी होगी। दोस्तों, आपने फिजिक्स में एक और चीज पढ़ी होगी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि हम किसी क्वांटम ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी पोजिशन और मोमेंटम एक ही वक्त पे नहीं निकाल सकते। लेकिन दोस्तों, कई बार इस प्रिंसिपल को लेकर एक भारी कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। लोग इसको हमेशा कंपेयर करने लगते हैं कि यार ये कैसे सही हो सकता है, अगर एक व्हीकल मूव कर रहा है और व्हीकल की हमें पोजीशन भी निकालनी है और उसका मोमेंटम भी निकालना है, तो ये तो हम निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ क्वांटम ऑब्जेक्ट्स की, और ये जो बिगर ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि व्हीकल, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे गौर करिए, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के एक ही समय पे आप मोमेंटम भी निकालना चाहते हैं और पोजीशन भी निकालना चाहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। तो दोस्तों, ये जो क्वांटम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करके क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि क्वांटम कंप्यूटर के अंदर जब क्वांटम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है तो क्वांटम प्रॉपर्टीज का उस पे असर होगा ही होगा। दोस्तों, आपने कई जगह पर यह बात पढ़ी होगी कि एक इलेक्ट्रॉन एक समय में दो अलग अलग जगह पर हो सकता है, शायद सुना हो, और इसीलिए कि इसको थोड़ा गलत तरीके से समझा जाता है, एक और सवाल पैदा होता है। अक्सर कई डॉक्यूमेंट्रीज में आपने ये सवाल सुना होगा कि क्या एक व्यक्ति, हम जैसे लोग, एक समय पर दो जगह रह सकते हैं? ये फैंटेसी की एक बड़ी विचित्र सी कल्पना लगती है जो कि हमें साइंस फाई की दुनिया में लेकर जाती है, जहाँ पे कई सारी मूवीज़ भी इस तरीके से बनी होती हैं जिसमें कि इस कॉन्सेप्ट को आधार मान के पूरी पटकथा लिखी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसको थोड़ा गलत तरीके से समझा जाता है। तो सच्चाई ये है कि एक इलेक्ट्रॉन यानी क्वांटम ऑब्जेक्ट वेव नेचर का होता है और
इसलिए उसकी पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो यहाँ पर भी हो सकता है और शायद यहाँ पर भी हो सकता है, यानी हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, हम कह रहे हैं कि शायद वो यहाँ पर है, शायद वो यहाँ पर है, लेकिन जब हम एग्जैक्ट पोजीशन उसकी मेजर करेंगे तो वो किसी एक जगह पर ही हमको मिलेगा। लेकिन जब तक हम पोजीशन को मेजर नहीं कर रहे हैं तब तक हम ये कहते हैं कि वो शायद यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। और इसी कारण कि हमने अभी पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर नहीं करा है, हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट, क्वांटम ऑब्जेक्ट एक साथ दो जगह पर हो सकता है। लेकिन जब आप उसे मेजर करते हैं तो एग्जैक्टली उसकी एक ही जगह निकल कर सामने आती है। हालांकि हमारे विज्ञान ने जितनी भी तरक्की करी है उसके आधार पे जब हम उसकी पोजीशन को मेजर करने निकलते हैं तो भी हमको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलती, हमें एक रेंज मिलती है कि वो जो पार्टिकल है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस समय इधर से इस वेव इस लेंथ के बीच में कहीं पर होगा। यानी कि हम एग्जैक्ट तो तब भी नहीं बता पाते, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। मे बी इन फ्यूचर हम टेक्नोलॉजी को इतना इम्प्रूव कर लें कि हम बता सकें कि वो पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इस समय कहाँ है। पर क्योंकि आप ज़रा सोच के देखिए कि हम लोग बहुत ही छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा छोटी यूनिट की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है कि हम बता सकें कि वो कहाँ पर है। हम सिर्फ एक रेंज बताते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये इधर से इधर के बीच में कहीं पर होगा। तो इस तरीके से हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब फाइंड आउट कर लेते हैं फिर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रह जाती, फिर तो हमें पता चल जाता है कि इसकी पोजीशन क्या है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एक समय में दो अवस्था में हो सकता है, यानी दो स्टेट्स में हो सकता है, या तो वो इस स्टेट में मिल रहा है या इस स्टेट में मिल रहा है। तो इसकी दो अवस्थाओं को ही हम बोलते हैं सुपर पोजिशन। ये टर्म आपने ज़रूर सुनी होगी, क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन बेसिकली क्या है, जब आप कह रहे हैं कि ये अभी कौन सी स्टेट में है तो वो हम कहते हैं कि ये अभी इस स्टेट में भी हो सकती है, इस स्टेट में भी हो सकती है, कुछ प्रोबेबिलिटी है कि वो इस स्टेट में रहेगी, कुछ प्रोबेबिलिटी है कि वो इस स्टेट में रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही होती है इलेक्ट्रॉन के स्पिन की, वो स्पिन या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। तो अगर हम बोलते हैं कि वो अपवर्ड है तो वो एक स्टेट है, और डाउनवर्ड है तो हम बोलते हैं कि वो दूसरी स्टेट है। लेकिन एक्चुअल में हमने अभी उसे मेजर नहीं करा, अगर हम मेजर करेंगे तो वो किसी एक ही स्टेट में हमको मिलने वाला है। तो अभी हम क्या बोलते हैं कि इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है कि ये अपवर्ड स्पिन कर रहा होगा, कुछ प्रोबेबिलिटी है कि ये डाउनवर्ड स्पिन कर रहा होगा। तो हम अपवर्ड और डाउनवर्ड को दो स्टेट्स यहाँ पर कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। इवन दो क्वांटम ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन्स, इनके जो स्पिन्स हैं वो एक दूसरे के स्पिन को अफेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंटेंगलमेंट। तो जो क्वांटम कंप्यूटर है ये मेनली इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, एक है सुपरपोजिशन और एक है इंटेंगलमेंट। तो जो हमारे क्लासिक कंप्यूटर्स हैं, जिन कंप्यूटर्स को हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम जानते हैं कि वो 0-1 पर बेस्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिट्स। तो इसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटर के अंदर भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर हम उसको बोलते हैं क्यूबिट्स। ये जो स्पिन की अभी हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, अगर अपवर्ड है तो ये एक स्टेट हो गई और डाउनवर्ड है तो ये दूसरी स्टेट हो गई, इसी को 0-1 हम यहाँ पर कह रहे होते हैं, इसको यहाँ पर हम बोलते हैं क्यूबिट्स। तो क्लासिक कंप्यूटर में हम बोलते थे बिट्स, और यहाँ पर हम बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स। तो क्यूबिट्स में भी एक ही समय पर अगर हम बात करें, देखो जो क्लासिक कंप्यूटर होते हैं ना, उसमें अगर आप किसी एक बिट में आप देखोगे तो वो या तो 0 होगी या 1 होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की खास बात ये है कि हर एक क्यूबिट के अंदर 0 भी हो सकता है एंड 1 भी हो सकता है। देयर इज सम चांसेस फॉर द 0 एंड सम चांसेस फॉर द 1। तो जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक वो 0 और 1 दोनों कंटेन कर रहा है। दिस इज समथिंग which is different from the classic computers। यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें एग्जैक्टली हमें पता होगा कि 0 है कि 1 है, लेकिन जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं उसके अंदर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। देर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड देर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। जिस तरह से आपने क्लासिक कंप्यूटर में लॉजिक गेट्स पड़े हुए हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये वो गेट्स हैं जिससे कि आप लॉजिकल कैलकुलेशंस करते हैं और कई तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं।
इसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटर में भी गेट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वांटम गेट्स। क्वांटम कंप्यूटर के अंदर भी हम मल्टीपल क्यूबिट्स यूज करते हैं, और जब मल्टीपल क्यूबिट्स होती हैं, मतलब हर एक क्यूबिट यानी एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात हो रही है, तो जब मल्टीपल क्यूबिट्स होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे पर असर डालते हैं, यानी एक दूसरे की स्टेट पर असर डालते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटेंगलमेंट का। जिससे कि जो एक पर्टिकुलर क्यूबिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है उसमें 0 या 1 की जो प्रोबेबिलिटी है उससे फर्क पड़ता है दूसरे क्यूबिट की, 0 या 1 किस स्टेट में रहेगा उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है इस पर। तो इस तरीके से ये इंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुककर आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि अच्छा क्वांटम कंप्यूटर एक नई चीज़ है, तो क्या आने वाले समय में जो क्लासिक कंप्यूटर्स हैं इनका चलन खत्म हो जाएगा और सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर को ही यूज किया जा रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्वांटम कंप्यूटर इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ क्लासिक कंप्यूटर्स। इट्स लाइक कि जैसे आप एक कैंडल की बात करें और कैंडल में खूब इंप्रूवमेंट करते जाएं तो एक दिन क्या वो बल्ब बन जाएगा? नहीं, बल्ब एक अलग टेक्नोलॉजी है और कैंडल एक अलग टेक्नोलॉजी है, तो दोनों में कोई समानता नहीं है, लेकिन दोनों का पर्पस सेम है, कैलकुलेशंस, राइट? जैसे रोशनी देना, वैसे यहां पर इस एनालॉजी को समझें कि जो क्लासिक कंप्यूटर है और क्वांटम कंप्यूटर है, दोनों का मकसद है कुछ कैलकुलेट करना, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो क्लासिक कंप्यूटर में इंटायरली डिफरेंट है और जो क्वांटम कंप्यूटर में है वो बिल्कुल अलग है। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो वो क्लासिक कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर देंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि क्लासिक कंप्यूटर जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जरूरी नहीं है कि उन प्रॉब्लम्स को क्वांटम कंप्यूटर सॉल्व कर भी पाए। यस, क्वांटम कंप्यूटर अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है। कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप क्लासिक कंप्यूटर में कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। हम यहाँ पर एआई से जुड़े कई सारी प्रॉब्लम्स की बात कर सकते हैं, या फिर मैथ्स में आपने 7 अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के बारे में सुना होगा जो कि आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, और ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स को जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, जो कि प्रैक्टिकली अगर क्लासिक कंप्यूटर से हम सॉल्व करवाएं तो वो हज़ारों साल लग जाएंगे उसको कैलकुलेशन करने के लिए, वही काम हो सकता है कि क्वांटम कंप्यूटर से अगर हम कराएं तो कुछ मिनटों में उसका आंसर आ जाए। तो क्वांटम कंप्यूटर एक अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, तो इसकी अपनी अलग तरह की अप्रोच होगी, और जब कभी इसके प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग करेंगे तो उनको भी अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, वो वैसे काम नहीं करेंगे जैसे कि क्लासिक कंप्यूटर में काम होता था। तो क्लासिक कंप्यूटर में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम थी उससे काफी अलग तरह के एल्गोरिथम क्वांटम कंप्यूटर्स में अप्लाई होते हैं। ये बात ध्यान रहे कि क्वांटम कंप्यूटर में भले ही एक समय पे दोनों स्टेट्स में रहने की प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन फाइनली जब ऑब्जर्व करेंगे तो इसका रिजल्ट यूनिक ही आएगा। क्वांटम कंप्यूटर अभी अपनी अर्ली जनरेशन में है। जिस तरीके से आपको याद होगा क्लासिक कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कंप्यूटर्स बहुत बड़े हुआ करते थे, उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो आज के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो थी, एक्सपेंसिव थी, काफ़ी हीट एंड नॉइज प्रोड्यूस होती थी, और उसकी पावर भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो क्लासिक कंप्यूटर्स कितने ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं, वैसे ही अगर हम क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करें तो ये अभी शुरुआत की जनरेशन चल रही है, बहुत ही अर्ली स्टेज पर हम लोग हैं, और इसीलिए इसको बनाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक खास टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, यहाँ पर आपको एक खास एनवायरमेंट क्रिएट करना होता है जिसको बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम मेंटेन कर पाते हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स डिस्टर्ब हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स आर नॉट ईजी टू डेवलप। मैं एक प्रोग्राम बना रहा था कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाले जाए, यानी ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट कर दिया जाए उसको जो कि अपने आप में प्राइम नंबर्स हों। जैसे कि एक नंबर है 15, तो 15 को मैं डिवाइड कर देता हूँ दो नंबर्स में, 3 और 5। अब आप देखिए 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 3 × 5 करता हूँ तो 15 आ जाता है। तो अगर मुझे एक नंबर दिया गया है 15 और मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो मेरा आंसर हुआ 3 और 5। इसी तरीके से कोई भी नंबर मुझे दिया जाए, मैं उसमें बता दूंगा कि दो नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स कौन से हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से वो बन रहा है। कई नंबर्स के लिए ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि ऐसे दो प्राइम नंबर्स मिल भी जाएं, लेकिन हो सकता है कि किसी में मिलते भी हों। तो इसको चेक करने के लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने पाइथन में बनाया। अब ये जब प्रोग्राम मैंने टेस्ट करा तो मुझे पता चला कि अगर मैं एक 10 डिजिट के नंबर को
टेस्ट करूं कि भाई एक 10 डिजिट का मैंने नंबर दिया है और इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दो, तो मेरे प्रोग्राम में जो भी लॉजिक मैंने यूज किया था उसने 11 सेकंड लगा दिए थे इसका आंसर निकालने में। और जब मैंने 10 डिजिट से ज्यादा बड़े नंबर्स को रखने की कोशिश करी और उसमें आंसर निकालने की कोशिश करी तो ये प्रोग्राम ने काफी ज्यादा समय लिया। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ती जा रही हैं इसको टाइम अब ज्यादा लग रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत लॉजिक इंप्रूव कर सकता हूं और लॉजिक इंप्रूव करूंगा तो थोड़ा बहुत टाइम में मैं अंतर भी ला सकता हूं, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हमें एक बहुत बड़े नंबर की कल्पना करें जो कि शायद 100 डिजिट्स का हो और वहां पर आपको यही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है प्राइम फैक्टर्स का, तो आप देखेंगे क्लासिक कंप्यूटर कई साल ले लेगा, हजारों साल ले लेगा सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अभी क्लासिक कंप्यूटर की अपनी क्षमता है, जबकि हम लोग आज देखें तो हमारे पास प्रोसेसिंग स्पीड बहुत अच्छी है, हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद क्लासिक कंप्यूटर इस तरह की प्रॉब्लम्स को टाइमली मैनर पे सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स की तरफ नजरें गड़ी हुई हैं कि हाँ क्वांटम कंप्यूटर ये कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो कई एरिया में काम आ सकता है, जैसे कि ड्रग फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, यानी सिक्योरिटी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ मेज प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपने देखा होगा इस तरह के गेम्स होंगे कि मेज स्ट्रक्चर होता है और एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको सही रास्ता ढूंढ के बाहर निकालना है, तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप क्लासिक कंप्यूटर में इसकी कोई लॉजिक लगाएंगे तो हर पॉसिबल पाथ को एक्सप्लोर करेगा और इतने सारे पाथ होते हैं कि उसको बहुत टाइम लग सकता है कि फाइनली बाहर निकलने के लिए। तो मेज एग्जिट वाली जो प्रॉब्लम है उसको अगर हम क्वांटम कंप्यूटर से करें तो बहुत फास्ट रिजल्ट हमको मिल सकते हैं। और ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ए स्टेशन से मुझे बी स्टेशन पर जाना है, जैसे आप मैप में देखिए कोई ए एक जगह है कोई बी दूसरी जगह है और दोनों तक जाने के लिए मल्टीपल रूट्स हैं, इनफैक्ट इनफाइनाइट रूट्स हैं आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि कई तरीके से वहाँ जाया जा सकता है। सभी रूट्स को एक्सप्लोर करते हुए कौन सा जो रूट है वो सबसे बेस्ट है ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ अभी सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, इसके बारे में रिसर्च चल रही है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर अभी बनने के फेज में है। और अगर मान लीजिए ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा साइंस एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों। लेकिन अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर में अगर करियर बनाना है तो आज की स्थिति क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि क्वांटम कंप्यूटर्स अभी अपने अर्ली फेज में चल रहे हैं, तो अभी इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अभी शुरू हुआ नहीं है। जैसे क्लासिक कंप्यूटर को लोग घर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर को अभी सिर्फ रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। यानी अभी तो इनको बनाने का दौर है, इसकी कैपेबिलिटी को टेस्ट करने का दौर है, इसके एक्सपेंस को कम करने का दौर है, इस पर बहुत सारे रिसर्च की बात हो रही है। तो अभी अगर आपको क्वांटम कंप्यूटर में अपना करियर बनाना है तो आप दो ही तरीके से करियर बना सकते हैं, या तो आप क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ बात सैलरी की नहीं है, यहाँ बात ये भी नहीं है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, यहाँ पर बात ये है कि क्या आप क्वांटम कंप्यूटर में इतने ज़्यादा पैशनेट हो कि आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप रिसर्च करना चाहते हो। तो यस, ये फील्ड अभी ओपन है और इसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत मायने रख सकता है, क्योंकि जिस फेज में हम हैं अभी क्वांटम कंप्यूटर्स इवॉल्व हो रहे हैं। और दूसरा हो सकता है क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड टीचिंग, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल लेवल पर ही है, अभी इसका प्रैक्टिकल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर्स चाहिए जो कि इतने एक्सपेंसिव हैं और मार्केट में ऐसे सेल भी नहीं हो रहे हैं कि आप उसको यूज़ कर सको। ये सिर्फ आपको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी कुछ खास जगह पर ही मिल पाएंगे। तो यस, अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर किस हाल में पहुंचते हैं। हमारी इस लाइफ में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम क्वांटम कंप्यूटर को इतना विकसित कर लेंगे कि उसको मानव के उपयोग के लायक बना सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको क्वांटम कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें समझ में आ रही हों और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह का वीडियो किसी का नॉलेज बढ़ा सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए नहीं दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।